हेलो बच्चा बड़ी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2 का डी, बुक फॉलो कर रहे हैं आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 का सी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल किसके नाम से, रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से आपको मिलेगा प्लेलिस्ट। ठीक है, फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हमारा जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चा सब कहाँ कहाँ से सीख रहा है और कितना परसेंट समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ए बराबर दिस वन, बी बराबर दिस वन सेट, और फंक्शन दिया हुआ है 2 7 3 9 4 11 5 13। तो कहता है दिखाइए कि एफ इज इन्वर्टेबल और साथ में एफ इनवर्स निकालना है। देखो बहुत ही आसान टॉपिक है, यहां पहले लिखिए सॉल्यूशन, यहां क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। यहां पर आपके पास एफ इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल दिखाना तो पहले क्या किए एरो डायग्राम बनाइए, है ना। यहां ए रखेंगे और यहां बी रखेंगे, तो ए में कौन कौन एलिमेंट है 2 3 4 5, यहां लिखिए। बी में कौन सा है 7 9 11 और 13। देखो 2 के साथ कौन है 7 है, तो 2 को आप 7 से मिलाइए। 3 के साथ कौन है 9 है, तो 3 को 9 से मिला दीजिए। 4 के साथ 11 है, तो 4 को 11 से मिला दीजिए। 5 के साथ 13 है, तो 5 के साथ कौन हो गया 13 से मिला दीजिए। तो क्या देख रहे हैं, जितना एलिमेंट इधर है सबका अपना अपना यूनिक इमेज बन रहा है, बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बन रहा है। तो जब ये यूनिक इमेज बनेगा, है ना, या हम ऐसा बोल रहे हैं कि जितना भी यूनिक इमेज बनेगा सबका, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 1 1, और साथ में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है। जब भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो ये हो गया ऑन्टो। तो जो 1 1 ऑन्टो फंक्शन होता है वही तो आपका इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन किस में, बी में, है ना, एंड साथ ही साथ नो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन बी। बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है मतलब सबका सबके साथ इमेज बना ही रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस यहां से एफ इज 1 1 एंड कैसा ऑन टू, इसीलिए एफ एक्स इज आपका क्या हो जाएगा, या एफ सीधे एफ लिखता है ना, या एफ एक्स लिखो जो भी है, फंक्शन एफ इज इन्वर्टेबल। क्या लिखेंगे, एफ इज इन्वर्टेबल फंक्शन। तो जब भी आपके पास कहेगा प्रूफ कीजिए या शो दैट कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अब देखिए साथ में क्या निकालना है हमें, एफ इनवर्स। तो पहले एफ कितना दिया हुआ है 2.7, इसको लिखिए, फिर कितना 3.9, फिर कितना 4.11, फिर कितना है 5.13। हमें एफ इनवर्स निकालना, बड़ा इजी है, उल्टा कर दो, 2.7 है 7.2 लिख दो, उल्टा करके लिख दो। यहाँ देखो 3.9 है तो 9.3 लिख दो, 4.11 है तो 11.4 लिख दो, 5.13 है तो 13.5 लिख दो। देखो कितना ईजी है, यही आपके पास ये हो गया, है ना। खाली बाहर से मैं जानते हो ऐसे रूमर फैला के रखे हुआ है ना कि मैथ भारी होता है, भाई है ये बताओ, इसको खाली उल्टा उल्टा करके लिखना है बस। ठीक है, देखो बायोलॉजी में कितना है, गुर्दा कलेजी फेफड़ी फेफड़ा सब कौन मस किधर जा रहा है वो सब याद रखना है, उसका फोटो याद रखना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर क्या है दिख रहा है, अच्छा इनवर्स निकालना है, इसको उल्टा दीजिए, फटाफट बन गया। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ रियल टू रियल एफ एक्स बराबर 2x+3 इज इन्वर्टेबल। क्या है, इन्वर्टेबल, और साथ में कह रहा है एफ इनवर्स निकाल। इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 1 1 एंड ऑन टू। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब यहां पर क्या होगा, ये फंक्शन टाइप दे दिया है, मतलब ये इक्वेशन का टाइप है, अल्जेब्रिक फॉर्म में है। तो सबसे पहली बात यहां लिखिए 2x1+3, लिख लिए हम जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहां पर क्या करना है, नाउ देखो इधर से एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू करेंगे, देखो ये इसको बराबर करेंगे, और अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, है ना, इक्वल आ गया, तो फंक्शन क्या होगा हमारा 1 1। अब यहां देखो जहां एक्स वन है ना यहां पर, तो यहां पर एक बार एक्स की जगह एक्स वन, तो 2x1+3 जैसे वैसे लिख दीजिए। अब एक बार इक्वल करके एक्स की जगह पर 2 रख दीजिए,
थ्री थ्री कट गया तो क्या बचा, टू एक्स वन बराबर टू एक्स टू, ये कट गया तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। फंक्शन को बराबर किए तो एक्स वन और एक्स टू भी बराबर हो गया, इसीलिए ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास, एफ इज वन वन। अब किसके लिए, ऑन्टो के लिए। ऑन्टो के लिए क्या कहानी है देखो, लेट जो भी फंक्शन है उसको मानिए एफ एक्स, तो वाई बराबर हमने माना एफ एक्स, तो वाई तो ठीक है, एफ एक्स के जगह पर कितना टू एक्स प्लस थ्री। ध्यान से देखो, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे, y ठीक है, 3 इधर ले आओ तो माइनस थ्री बराबर टू एक्स। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस थ्री बाई टू बराबर कितना x हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां जो एफ एक्स है ना, इसको फिर लिखिए। अब यहां लिखेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू कितना, टू एक्स अब प्लस थ्री। एक्स का वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे, अगर y आ गया तो हमारा ऑन्टो होगा। तो अब देखो यहां पर x, x की जगह कितना y माइनस थ्री बाई टू, तो y माइनस थ्री बाई टू, यहां पर टू इंटू एक्स का वैल्यू पुट कीजिए तो x का वैल्यू y माइनस थ्री बाई टू, और ये प्लस थ्री बाद में कट गया, ये क्या निकला y माइनस थ्री प्लस थ्री, ये कट गया, ये क्या निकला y आया मतलब ऑन्टो होगा। समझ में आ रहा है, ये पहले भी हम सिखा चुके हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, f इज ऑन्टो, तो फंक्शन जो है आपका ऑन्टो भी है और वन वन भी है, क्या लिखेंगे यहां से, हेंस f इज आपका इनवर्टिबल फंक्शन, है ना। और साथ में क्या निकालना है आपका, f इनवर्स। तो देखो जो x का वैल्यू निकालिएगा ना वही आपका f इनवर्स होगा। अब यहां से लिखेंगे, इसीलिए f इनवर्स बराबर, या f इनवर्स y कर दो, y के टर्म में आंसर आता है तो y माइनस थ्री अपॉन कितना टू, y माइनस थ्री, यही आपके पास f इनवर्स हो गया। f इनवर्स निकालने के लिए अलग से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो x का वैल्यू होगा वही आपका f इनवर्स आएगा। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, f है आपके पास q2 की, q क्या होता है आपके पास, रैशनल नंबर है ना। ठीक है, इनपुट भी और आउटपुट भी, fx बराबर 3x माइनस 4 दिया हुआ है, शो दैट f इज इन्वर्टेबल एंड f इनवर्स। अब f इनवर्स निकालना, उससे पहले क्या प्रूफ करना है, इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल के लिए क्या, वन वन और ऑन टू प्रूफ करना होता है। यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना, जो फंक्शन है उसको लिखिए fx इक्वल्स टू कितना 3x माइनस 4, है ना। अब यहां पर किसके लिए, पहले वन वन के लिए, वन वन पहले हमें प्रूफ करना है। यहां पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, क्या करो जहां जहां x है वहां वहां पहले x1 रखो, तो f 3x1 माइनस 4, फिर x2 रख दो x के जगह, ये दोनों कट गया, यहां क्या बचा 3x1 इक्वल्स टू 3x2, कट गया, क्या आ गया x1 इक्वल्स टू x2 आया। यहां पर क्या लिखेंगे, जब भी fx1 बराबर fx2 और ये x1 x2 के इक्वल हो जाएगा तो f क्या हो जाएगा, 1 1, तो f इज हमारा 1 1, है ना। अब हमें क्या चाहिए, ऑन्टो। तो चलो ऑन्टो के लिए क्या करना होगा, जो भी फंक्शन है उसको y मानिए तो fx बराबर 1, fx का वैल्यू कितना 3x माइनस 4, यहां से हम y का x का वैल्यू निकालेंगे, 4 उधर जाएगा तो y प्लस 4, x बराबर कितना हम y प्लस 4 बाई 3 लिख सकते हैं, लिख लिए। अब क्या करो नाउ, जो फंक्शन fx है उसको यहां पर लिखिए 3x माइनस 4, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, y आना चाहिए, अगर y आ गया तो फंक्शन हमारा ऑन्टो होगा। फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन्टो। तो देखो f, x का वैल्यू कितना y प्लस 4 बाई 3, 3 इंटू y प्लस 4 बाई 3 अब माइनस 4 कट गया, तो y प्लस 4 माइनस 4 कट गया, इधर कितना होगा y आ गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, f इज हमारा हो गया ऑन्टो। तो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन्टो दोनों है, इसीलिए हेंस यहां से हम क्या बोल सकते हैं, f इज हमारा होगा इनवर्टिबल फंक्शन। कैसा फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन। और साथ में हमें क्या निकालना है, f इनवर्स। तो f इनवर्स के बारे में क्या बोलते हैं, जो x का वैल्यू होगा वही f इनवर्स होगा, तो f इनवर्स बराबर कितना लिख सकते हैं, y प्लस 4 बाई 3, यही आपके पास f इनवर्स हो गया, ये आंसर। देख लो कितना इजी है, समझ में आ रहा है, स्क्रीन शॉट लीजिए।
फोर नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 1/2 × 3x + 1 है, तो कहता है शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड साथ में एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। जो क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कितना है 1/2 इन टू कितना 3x + 1, है ना। अब हम यहाँ पर से क्या करेंगे, पहले इसको 1 1 प्रूफ करेंगे। यहाँ किसके लिए 1 1 लिखिए, तो हमें क्या करना है एफ एक्स 1 = FX2। तब जहां जहां x है क्वेश्चन फंक्शन में वहां वहां x1 दीजिए, तो 1/2 ठीक है 3x है, तो x1 और +1 यहाँ पर, फिर 1/2 और यहाँ कितना x2 +1, 1/2 कट गया, यहाँ क्या बचा 3x1 + 1 और यहाँ 3x2 + 1, 1 1 कट गया, 3x1 = कितना 3x2, देखो ये भी कट गया, तो x1 = कितना x2 आया, तो इसका मतलब f हमारा क्या हो गया 1 1, f इज 1 1, है ना। अब हमें क्या प्रूफ करना है ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं बोलो, जो भी फंक्शन है उसको y मानिए, लेट y बराबर एफ एक्स, ठीक है y ठीक है अपनी जगह, एफ एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/2 × कितना 3x + 1, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 को पहले इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2y 3x + 1, y को बुलाओ इधर तो -1 हो जाएगा 3x, x का वैल्यू निकालेंगे, संजय जी 10 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर से 3 यहाँ आ गया, नीचे में हो जाएगा x, x का वैल्यू निकला 9। अब जो फंक्शन है एफ एक्स उसको फिर लिखिए 1/2 × कितना 3x + 1, इसमें x का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 2y - 1/3, x की जगह पर 2y - 1, तो यहाँ पर 3 तो बाहर में सही है, 3 रहने दो बाहर में, 2y - 1/3 e+1 को बाद में, ये से ये 3 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा देखो तो 1/2, इधर क्या बचेगा 2y - 1 e+1 बाद में था, कट गया 1/2 i² कितना 2y बचा, कट गया, इधर क्या बचा y आया, x का वैल्यू पुट करने पर फंक्शन में क्या आता है y आना चाहिए, तो फंक्शन क्या होगा हमारा ऑन टू, यहाँ पर क्या हो गया f इज ऑन टू, इसीलिए हेंस f इज आपका क्या हो गया 1 1 1 1 1 2 तो है, इसीलिए फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा f इज इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, है ना। अब हमें क्या चाहिए f इनवर्स, तो जो x का वैल्यू होगा वही f इनवर्स होगा, तो यहां से हम लिखेंगे f इनवर्स बराबर कितना 2y - 1/3, है ना, यही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, स्क्रीन शॉट लीजिए। फाइव नंबर क्वेश्चन है f(fx) = 4x + 3/6x - 4, जहां x का वैल्यू 2/3 नहीं ले सकते हैं हम, तो शो दैट f ऑफ f बराबर कितना x प्रूफ करना है और f इनवर्स लाना है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना, जो एफ एक्स है उसको पहले लिखिए, क्या है 4x + 3/6x - 4, हमें f ऑफ एफ एक्स निकालना, तो यहाँ लिखो f ऑफ f, यहाँ इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ f फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स, तो f तो ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 4x + 3/6x - 4 लिख लिए। अब यहाँ पर से हमें इसका वैल्यू चाहिए और आपको क्या दिया हुआ एफ एक्स दिया हुआ, तो यहाँ लिखिए एफ एक्स = 4x + 3/6x - 4, x की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे, पुट x = क्या 4x + 3/6x - 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा f 4x + 3/6x - 4 = कितना 4 है, तो 4 रहने दो, x के जगह पर इसको पुट कर दो 4x + 3/6x - 4 और +3, नीचे में कितना 6x है, 6 तो ठीक है, x के जगह 4x + 3/6x - 4 और यहाँ कितना है -4 है ना। अब चलो
ये फाइनली कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे में एलसीएम 6x माइनस 4 एलसीएम, यहाँ हम 6x माइनस 4 एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे 16 अब प्लस 12, तो 16x अब प्लस 12, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18x प्लस कितना 18x और माइनस 12, ठीक है, नीचे यहाँ पर 6x माइनस 4 एलसीएम लेंगे, तो 6x माइनस 4 एलसीएम हो गया, नीचे में भी, ऊपर में कितना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24x, और प्लस कितना, इस 6 को 3 से करोगे तो 18, माइनस 4 को इधर करना पड़ेगा तो माइनस 24x, है ना, उसके बाद इसको करोगे तो प्लस 16, ये कैंसिल आउट, ऊपर में प्लस 12 माइनस 12, ये प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 34x ऊपर में, और नीचे में भी कितना हो जाएगा, इसको इसको ऐड करोगे तो 34 कट गया, कितना बचा, x बचा, और f ऑफ fx क्या लेना था, x ही ला रहा था, यही प्रूव हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, f इनवर्स चाहिए, तो देखो लेट क्या मानेंगे, fx बराबर कितना y, या y बराबर fx लिखो, जो भी लिखना है, तो fx का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3, और यहाँ है नीचे में 6x माइनस 4 बराबर y, यहाँ से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, जो x का वैल्यू होगा वही हमारा f इनवर्स देगा, 4x प्लस 3 तो ठीक है, मल्टीप्लाई करो इधर 6xy माइनस 4y, x का वैल्यू निकालना है तो 4x तो ठीक है, इसको इधर ले आइए माइनस 6xy, है ना, इधर क्या बचेगा माइनस 4y, इधर 3 इधर गया तो माइनस 3, है ना। अब हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x को कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस 6y इक्वल्स टू माइनस 4y और माइनस 3, तो x क्या वैल्यू निकालेंगे तो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल x बराबर कितना हुआ माइनस 4y और माइनस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4 माइनस 6y नीचे में। अब क्या करो, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे में भी से माइनस कॉमन लो तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो 6y माइनस 4 कट गया, और ये आ गया x बराबर कितना 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, यही आपका f इनवर्स देगा, तो f इनवर्स बराबर कितना 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, यही आंसर होगा। अब बोलोगे सर इसमें 1 1 और 1 2 काम प्रूफ के, इसमें प्रूफ करने के लिए नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोल रहा है एफ ऑफ एफ एक्स को प्रूफ कीजिए एक्स, और एफ इनवर्स निकालना है, तो जहां एफ इनवर्स निकालना रहेगा वहां सीधे एक्स का वैल्यू निकाल कर एफ इनवर्स निकालेंगे, 1 1 और 1 2 वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ ऑन ई इज इक्वल टू आर माइनस 2/3, मतलब जो फंक्शन होगा इसमें हम रियल नंबर सब पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2/3 को छोड़ करके, इसका मतलब समझ में आ गया, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3/6x माइनस 4 इज 1 1 और 1 2 पहले प्रूफ करना है, और साथ में हमें एफ इनवर्स निकालना है, तो यहाँ पर पहले जो फंक्शन है उसको लिख लीजिए, गिवन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, है ना। अब 1 1 के लिए क्या करते हैं हम, बोलो एफ एक्स 1 इज इक्वल्स टू एफ एक्स 2 करते हैं, फंक्शन को इक्वल करते हैं, एफ एक्स 1 का जहां जहां x है वहां वहां x 1 दीजिए, तो 4x 1 प्लस 3 अपॉन नीचे में 6x 1 माइनस 4 हो जाएगा, फिर यहां 2 यहां x 2 पुट कर दो तो 4x 2 प्लस 3 अब बाई कितना 6x 2 माइनस 4, सबको कैलकुलेट करेंगे तो x 1 इक्वल्स टू x 2 बचना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहां पर हो जाएगा कितना 24 x 1 x 2, उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 16x1, है ना, अब 3 से करोगे तो प्लस कितना 18x2, यहाँ पर माइनस कितना 12, फिर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 24x1x2, है ना, फिर इधर कितना हो जाएगा 18x1, उसके बाद माइनस 16x2, उसके बाद माइनस 12, कौन कटेगा ये, और ये कट गया, इक्वल है तो सेम साइन वाला कटेगा, उसके बाद कुछ कटेगा ये, और ये कट गया, उसके बाद चलो x1 को इधर, जितना भी x1 वाला उसको इधर ले आओ, तो यहाँ माइनस 16x1 इधर कितना 18, तो इसको इधर ले आओ माइनस 18x1,
एक्स टू वाले को एक तरफ ले जाओ, ये 18x2 उधर जाएंगे तो माइनस 18x2 और माइनस 16x2 पहले से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 34x1 माइनस में इधर भी हो जाएगा कितना माइनस 34x2, ये कट गया माइनस माइनस ये भी कट गया, तो x1 बराबर कितना निकला x2 निकला, इसीलिए हमारे पास f इज 1 1 1 1, तो प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है साथ में ऑन्टो, तो देखो ऑन्टो के लिए क्या करना होगा, जो भी फंक्शन है लेट उसको y मानिए, fx बराबर y, fx का वैल्यू कितना है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इक्वल्स टू y। अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6xy माइनस कितना 4y, ठीक है, x वाले को इधर ले आओगे तो 4x तो ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 6xy बराबर में कितना माइनस 4y, 3 उधर गया तो माइनस 3, x कॉमन लीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना, x कॉमन लेंगे तो कितना होगा 4 माइनस कितना 6y, और यहाँ माइनस कॉमन लीजिए तो 4y माइनस 3 सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 4 माइनस कितना 6y, तो x बराबर माइनस 4y प्लस 3 तो ठीक है, नीचे माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस में कट गया, तो x बराबर कितना निकला 4y प्लस 3 निकला और नीचे में 6y माइनस 4, x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू ये फंक्शन में रखेंगे है ना, और हमें y आना चाहिए, आ जाओ नाउ, अब जो fx है उसको लिखिए 4x प्लस 3 अपॉन कितना 6x माइनस 4, अब इसमें क्या पुट करना होगा x का वैल्यू, x बराबर 4y प्लस 3, पुट x बराबर कितना 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, 6y माइनस 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, यहाँ देखो 4 अपनी जगह ठीक है तो रहने दो, उसके बाद x की जगह पर इसको पुट करो 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, अब प्लस 3 को बाद में, समझ में आ रहा 4 है 4 रहने दिए, x की जगह पर इसको पुट कर दिए ब्रैकेट बंद प्लस 3 को बाद में, सेम चीज करेंगे नीचे में 6 तो ठीक है y x है, x की जगह पर 4y प्लस 3, एकदम ध्यान से देखते रहो सब स्टेप समझ में आएगा एकदम इजी वे में, ये वाला माइनस 4 को बाहर में लिख दिए, अब यहाँ पर एलसीएम कितना होगा देखो 6y माइनस 4 एलसीएम, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16y अब प्लस 12, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 18y और माइनस 12, नीचे में आ जाओ यहाँ भी 6y माइनस 4 एलसीएम, इस नीचे में इसको करोगे तो कितना होगा 24y प्लस कितना 18 और माइनस कितना 24y, इसको करोगे तो प्लस 16, ये वाला कट गया प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, ऊपर में क्या बचेगा देखो 16 और प्लस 18 तो 34y, नीचे में कितना बचेगा 18 और प्लस 16 तो ये 34 बचेगा, कट गया, कट के क्या बचा वाई आया, जब ये वाई आ गया तो ये फंक्शन हमारा ऑन्टो हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे f इज ऑन्टो, यही प्रूफ करना था, एक हमारा 1 1 और ऑन्टो प्रूफ हो गया, अब चाहिए f इनवर्स, तो जो x का वैल्यू होगा वही f इनवर्स होगा, यहाँ लिख दे, यहाँ लिखेंगे हेंस f इनवर्स बराबर कितना 4y, देखो 4y प्लस 3 अपॉन कितना 6y माइनस 4, यही आंसर होगा, क्लियर है, तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले भाई, थैंक यू सो मच।